टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जस्ट लाइक हमारे पास गिवन क्या है, एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में गाइस क्या करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है उसको लिखते हैं, dy पर क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं। इसी प्रकार हमारे पास क्या द्वितीय ऑपरेंड हो तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन कोरे का क्या लिखते हैं, डीएक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली हमारे पास अगर तीसरा ऑपरेंड हो तो तीसरा ऑपरेंड को लिखते हैं डी क्यूब वाई पूरे का पावर क्या लिखते हैं, डीएक्स क्या लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं। अथवा करके अगर आर करके इसी कंडीशन को हम लोग लिखना चाहे तो फर्स्ट डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑपरेंड को लिख सकते हैं वाई डैश लिख सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को लिख सकते हैं वाई डबल डैश लिख सकते हैं, एंड थर्ड डेरिवेटिव को लिखना चाहे तो वाई ट्रिपल डैश लिख सकते हैं। इट्स ओके डियर। इस कंडीशन में एक और आप लोगों के मन में भ्रम था, उस भ्रम को मैं दूर कर देता हूं कि यक्स का ऑपरेंसर होता है क्या, एक होता है। यक्स का ऑपरेंसर क्या होता है, एक। यानी जब भी हम लोग क्या करते हैं यक्स का डी अपॉन क्या करते हैं डीएक्स ज्ञात करते हैं क्या आता है, एक आता है। बट सर अगर हमारे पास वही दिया क्या हो वाई हो तो वाई अगर डी अपॉन डीएक्स ज्ञात करेंगे तो ये होता है सर डीवाई अपॉन क्या होता है डीएक्स। क्यों होता है सर, आखिर जब यक्स का हमारे पास एक हो गया तो y का dy / dx क्यों हो गया। इस कंडीशन में इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं भैया कि होता क्या है। इस कंडीशन में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास जो ऑपरेंड होता है क्या होता है, एक होता है। बट यहां पे लिखा गया d / dx, इट मींस क्या हुआ dx जो हम ऑपरेंड कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ना कि y के रिस्पेक्ट में। अगर यही y के रिस्पेक्ट में करते तो इस कंडीशन में अगर लिखा होता dy d / क्या लिखा होता dy, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, यहां पर 1 लिखते हैं। बट ऐसा नहीं है, यहां पर d / क्या लिखा है dx इनटू y इज इक्वल टू या प्रॉपर dy / क्या होगा dx होगा। कुछ बेसिक फार्मूला है, जस्ट लाइक हमारे पास x टू द पावर क्या चल रहा हो, n चल रहा हो, क्या चल रहा हो x टू द पावर n। तो x टू द पावर n का d / dx जब ज्ञात करेंगे dx, तो इस कंडीशन में क्या लेगा, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लाते हैं बेस में, कहां लाते हैं बेस में। इट मींस क्या हुआ, यहां पर n आ गया जाएगा और x टू द पावर n माइनस क्या होता है 1 होता है। इस कंडीशन में क्या कर देंगे, इस n को आगे कर देंगे और n में से क्या कर देंगे, एक को लेस देन कर देंगे, घटा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखना चाहे इसको हम लोग एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास x टू द पावर क्या दिया हो 4 दिया हो, क्या दिया हो 4 दिया हो। इस कंडीशन में क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे यानी y बराबर दिया आप लोगों का x टू द पावर क्या दिया हो 4 दिया हो। तो हम बता चुके हैं आप लोगों को y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है dy / dx अथवा y डैश होता है, सेकंड का क्या होता है d स्क्वायर y / dx स्क्वायर होता है अथवा क्या होता है y डैश होता है। इस कंडीशन में जब हम करेंगे तो y क्या हो जाएगा y डैश, अच्छा कह सकते हैं हम dy / dx। बट इस कंडीशन में इसका करेंगे तो dx हो जाएगा हमारे पास d / dx और x टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस कंडीशन में जब इसका ऑपरेंड ज्ञात करेंगे dx तो हमारे पास हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा और x टू द पावर 4 माइनस क्या होगा 1 होगा। इस कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा 4x टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले फिनोमेना को बढ़ते हैं डियर्स। अगर हमारे पास e टू द पावर x चल रहा हो, क्या चल रहा हो e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का जब ऑपरेंड ज्ञात करेंगे हम लोग तो e टू द पावर x का ऑपरेंड क्या होता है e टू द पावर x। बट एक सोचनीय बात यहां पर डियर ये है कि अगर e टू द पावर 2x चल रहा, 3x चल रहा, 4x चल रहा, 5x चल रहा, सिमिलरली आंसर और कुछ और भी चल रहा हो, तो इस कंडीशन में करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस कंडीशन में तो e टू द पावर x का अगर हम ऑपरेंड करना चाहें तो d / क्या हो गया dx हो गया और e टू द पावर क्या हो गया 2x। बट हम बता चुके हैं आप लोगों को e टू द पावर x का होता है ऑपरेंड क्या होता है e टू द पावर x। बट हमारे पास e टू द पावर 2x दिया है तो जस्ट लाइक इस सिस्टम को हम मान लेते हैं गोला, क्या मान लेते हैं dx गोला। तो इस कंडीशन में हो जाएगा e टू द पावर क्या होगा गोला, यानी गोला में जो भी रखा गया है उसको यहां क्या कर देंगे पुट कर देंगे। बट इस गोले में जो भी टर्म था डियर उसका एक बार क्या करना पड़ता है और अवकलन करना पड़ता है। तो d / dx * क्या हो जाएगा हमारे पास 2x और e टू द पावर क्या हो गया इसका अवकलन 2x * कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास जो 2 है डियर्स वो क्या अचर पद, जब x क्या हमारे पास चर पद। सर चर और अचर का मतलब क्या हुआ कि चर का मतलब क्या हुआ, चर मतलब क्या होता है जिसका मान हमेशा क्या होता है बदलता हो चलता रहता हो, उस कंडीशन को चर बोलते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास जितने भी इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं चर होते हैं। बट जो हमारे पास मैथ में जो अंक गणित होते हैं वो क्या होते हैं अचर पद होते हैं। कहने का मतलब उसका जो डेरिवेटिव करते हैं हम कांस्टेंट होता है, उस कंडीशन में वो 2 को हम लोग क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे और x का ऑपरेंड आप लोग यहां से पढ़ चुके हैं। इस कंडीशन में x का ऑपरेंड क्या होता है 1 होता है, तो इस कंडीशन में x का ऑपरेंड 1 हो जाएगा। इसको लिखना चाहे तो 2 e टू द पावर क्या हो गया 2x हो जाएगा।
अगला फॉर्मूला कि डी अपन डीएक्स हो और फर्स्ट पद इंटू क्या हो सेकंड पद, यानी दो पदों किसमें चल रहा गुणा में चल रहा, तो इस कंडीशन में करते क्या अध्यास लिखिएगा फर्स्ट पद जैसा का तैसा इंटू डी अपन क्या जगह डीएक्स, यानी मीन फर्स्ट पद जैसा का जैसा सेकंड पद क्या हो गया अवकलन हो गया और प्लस सेकंड पद क्या हो जाएगा हमारे पास जैसा का तैसा और फर्स्ट पद क्या हो जाएगा डीएक्स अवकलन हो जाएगा। ये हमारे पास एक फिनोमिना है, एक हमारे पास रूल है, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अवकलन करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए इस कंडीशन में करते हैं क्या है, जस्ट लाइक हमारे पास क्या हो एक्स स्क्वायर हो और इनटू हमारे पास क्या हो ई टू दी पावर क्या हो एक्स हो, एक फॉर्मूला एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है डीएफ की एक्स स्क्वायर इनटू क्या हो टू एक्स हो, इसका आपको क्या करना है अवकलन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अवकलन। तो स्टार्ट करते हैं अवकलन इसका, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पद जैसा का तैसा, ये फर्स्ट पद ये क्या है सेकंड पद, तो फर्स्ट पद जैसा का तैसा हो जाएगा और सेकंड पद क्या हो जाएगा अवकलन, सेकंड पद का मतलब क्या हो गया ई टू दी पावर क्या हो गया एक्स हो गया प्लस सेकंड पद जैसा का तैसा और फर्स्ट पद क्या हो गया अवकलन डी अपॉन डीएक्स और इन टू क्या जाना हमारे पास एक्स का स्क्वायर। अब अवकलन कर लेते हैं फर्स्ट पद जैसा का तैसा इट मीन्स नो चेंज एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई टू दी पावर एक्स प्लस सेकंड पद जैसा का तैसा इट मीन्स क्या होगा ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर क्या जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास टू आ जाएगा तो टू एक्स हो जाएगा क्या जाएगा डीएक्स टू एक्स। ये था हमारा फॉर्मूला, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अपने। फर्स्ट में टीचर कहा क्या है कि हमें जो भी हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं, जो भी कर्व दिए गए हैं, जो भी वक्र दिया गया है, उस वक्र में से ए और बी के टर्म को स्प्लिट कर देना है, गैप कर देना है, यानी कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया है उसमें अगर जस्ट लाइक हमारे पास अगर अचर पद आ गया हमारे पास ए और क्या हो गया बी, तो उसको क्या कर देना स्प्लिट कर देना गैप कर देना है, यानी अवकलन करना आप लोगों को एक बार अवकलन दो बार अवकलन तीन बार अवकलन, यानी जितनी बार भी अवकलन करना पड़े करिए, बट आप लोगों को ए और बी को क्या कर देना है गायब कर देना। तो इस कंडीशन में करते क्या हम चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को सेटलमेंट करना चाहे थोड़ा सेटलमेंट कर देते हैं, तो लिखना चाहे तो एक्स यानी इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग वन अपॉन ए इन टू क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं, अब प्लस इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वन अपॉन क्या लिख सकते हैं बी और इन टू क्या लिख सकते हैं हम लोग वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ अवकलन करने पर एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वन बाई ए, लिखेंगे वन बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर कर देंगे डी अपन क्या लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में इन टू एक्स प्लस वन बाई बी को बाहर कर देंगे क्यों क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग एक्स के, तो ये हो जाएगा आप लोगों का वन अपन बी और डी अपन क्या होगा हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा डी अपन डी एक्स इज इक्वल टू इन टू क्या होगा हमारे पास वन होगा। चलिए अवकलन करते हैं इसका, तो वन अपन ए का वन अपन ए हो जाएगा एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन क्या होता है जैसा कि हमने सूत्र में भी देखा है प्लस वन अपन क्या जाएगा बी हो जाएगा, चूंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास ध्यान से देखिएगा डी एक्स यहाँ पे दिया क्या है यहाँ पर वाई होगा हमारे पास ये हो जाएगा वन अपन बी वाई का जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई डैश क्या जाएगा डी एक्स वाई डैश हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे वन का अवकलन करेंगे क्या जाएगा जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि जीरो हमारे पास क्या और एक क्या हमारे पास अचर पद है। तो इस कंडीशन में करते क्या है आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा वन अपान क्या हो गया हमारे पास ए प्लस वन अपान क्या हो गया बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। इस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, बट कहा क्या था इक्वेशन में कहा ये कहा है कि ए और बी के टर्म को स्प्लिट करना है तो ए और बी के टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये कर देते हैं अगेन अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ एक बार और अवकलन करने पर कर देते हैं अवकलन, तो एक बार और अवकलन करेंगे तो वन अपान ए का अवकलन क्या होगा जीरो होगा क्यों क्योंकि एक्स का रिस्पेक्ट में कर रहा है। इस कंडीशन में वन अपान क्या हो जाएगा बी और ये जगह डी अपन क्या होगा डी एक्स और ये हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास जीरो हो गया। इस कंडीशन में करेंगे डी एक्स तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपान क्या हो गया वन अपान बी और इस कंडीशन में करना चाहे इसको तो वाई क्या जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस टर्म में लिखना चाहे इस कंडीशन को तो हमारे पास होगा क्या डीएक्स कि वाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन हो गया।
यहाँ तक कर देंगे तो हमारे पास जो भी है टर्म ए और बी का टर्म स्प्लिट हो गया, चाहे यहाँ तक भी अगर देखना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वाई डैश इज इक्वल टू की बी क्या होगा जीरो होगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू बी क्या होगा हमारे पास जीरो होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार अगला आता हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर दिया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे इसका अपॉन करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू या एक्स के सापेक्ष अपॉन करने पर, तो लिखेंगे यहां पर डी अपॉन क्या लिखेंगे डी एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे यहां पर के को कर देंगे बाहर क्योंकि कंस्टेंट है, डी अपॉन क्या लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे और ये हो जाएगा कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस क्या जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डी एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास टू वाई, कौन सा फॉर्मूला निकाले एक्स टू दी पावर एन का जब अपॉन करते हैं तो एन एक्स एन टू दी पावर क्या होता है एन एक्स माइनस एन एक्स टू दी पावर एन माइनस क्या होता है वन होता है। इस कंडीशन में हो जाएगा पुनः वाई का एक बार और करेंगे तो वाई का क्या जाएगा वाई डैश हो जाएगा और ए को कर लेंगे बाहर, जब एक्स के रिस्पेक्ट में अपॉन कर रहे हैं तो बी स्क्वायर क्या होगा जीरो होगा और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स क्या होगा माइनस टू एक्स हो जाएगा। इस प्रकार टू वाई वाई डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस टू ए एक्स हो जाएगा तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया बचा क्या हमारे पास वाई वाई डैश और बराबर क्या बचा माइनस ए एक्स बचा। इस कंडीशन में बी एक्स क्या करते हैं एक बार और ऑप्शन कर देते हैं इसका, ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट हो गया। अगेन अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार और एक्स के साथ चौकन करने पर ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पद, ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड पद हो गया, तो फर्स्ट पद जैसा था तैसा इंटू सेकंड पद से क्या होता है अपॉन, दैट मींस क्या हुआ सेकंड पद का अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास वाई डी अपॉन क्या होगा डी एक्स हो गया और वाई का डैश प्लस सेकंड पद जैसा था तैसा फर्स्ट पद क्या हो जाएगा अपॉन डी अपॉन डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा अपॉन का वाई इज इक्वल टू ए को माइनस ए को कर लेंगे बाहर इंटू डी अपॉन क्या लिखेंगे डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। तो इस कंडीशन में वाई का क्या जगह वाई और वाई डैश का क्या जगह वाई डबल डैश क्योंकि दोबारा अपॉन करना पड़ेगा हमें प्लस क्या हो जाएगा दोबारा कर रहे हैं वाई डैश हो जाएगा वाई का एक बार और अपॉन करेंगे तो जगह वाई डैश इज इक्वल टू अपनों का एक्स का अपॉन एक होगा और ये हो जाएगा माइनस ए। इस कंडीशन में लिखना चाहें तो वाई वाई डबल डैश और प्लस ये वाई डैश का क्या जगह स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जगह माइनस ए क्या होगा ठीक है माइनस ए इक्वेशन क्या होगा हमारे पास सेकंड हो गया। इस कंडीशन में डीएस क्या करते हैं वोटिंग वैल्यू आ वोटिंग वैल्यू आ माइनस ए इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं हम इसका मान पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या डी वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए का मान हमारे पास क्या निकला वाई y डैश का डबल डैश y का y डबल डैश और प्लस डीएस क्या निकला हमारे पास निकला y डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर निकला है और इनटू हमारे क्या चल रहा है यहाँ पर x चल रहा है। इस कंडीशन में लिखना चाहते हैं ये हो जाएगा y y डैश बराबर लिखना चाहते हैं उसको इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे ये हो जाएगा y y डबल डैश प्लस y डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो भी अवकलन समीकरण आएगा डी है उस कंडीशन डी और बी का टर्म क्या होगा स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्वेश्चन डी दिया गया है इसमें वाई बराबर ए टू दी पावर थ्री एक्स प्लस बी टू दी पावर क्या दिया थ्री एक्स मीन्स क्या होगा इस हमारे कर्व में से क्या करना है ए और बी के टर्म को स्प्लिट करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग वाई लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन क्या लिख सकते हैं डी एक्स टू वाई इज इक्वल टू ए को कर लेंगे बाहर क्योंकि कंस्टेंट है डी अपॉन हो जाएगा हमारे पास डी एक्स और ए टू दी पावर क्या हो गया थ्री एक्स प्लस हो जाएगा बी को बाहर कर लेंगे क्यों क्योंकि कंस्टेंट है डी अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स और ए टू दी पावर क्या हो गया माइनस टू एक्स हो गया। अब इसका अवकलन करते हैं हम लोग तो वाई का क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा डी एक्स और ए को कर लेंगे बाहर ई टू दी पावर थ्री एक्स का क्या हो गया e टू दी पावर थ्री एक्स हो जाएगा बट ये हम गोला माने e टू दी पावर गोले का क्या होगा e टू दी पावर गोला अपन थ्री एक्स का एक बार और अपलोड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा थ्री क्या होगा थ्री प्लस b का टी फॉर टैट और d अपॉन डी एक्स e टू दी पावर गोले का मतलब क्या है माइनस टू एक्स ये हो जाएगा माइनस टू एक्स और बट टू एक्स का पूरा अपलोड करेंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा माइनस टू इसको सीधा कर देते हैं वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो गया
थ्री ए ई टू दावर क्या हो गया, थ्री एक्स हो गया, और प्लस सॉरी ये माइनस ये प्लस सिंबल किसका जाएगा, माइनस का जाएगा, तो इस कंडीशन में जाएगा माइनस टू बी ई टू दावर क्या हो गया, माइनस टू एक्स हो गया। ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर्स, तभी हमारे पास ये और बी का टर्म स्प्लिट में होगा, तो लिखेंगे अभी अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस कंडीशन में हमारे पास हो गया अब डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखना वाई डैस का करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा वाई का वाई डबल डैस हो जाएगा इज इक्वल टू थ्री ए को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, और ई टू दावर थ्री एक्स का करेंगे तो ई टू दावर थ्री एक्स हो जाएगा इन टू थ्री एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा थ्री, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है टू बी है, तो टू बी को बाहर कर लेंगे और ई टू दावर टू एक्स का ई टू दावर माइनस टू एक्स होगा, बट डी एक्स यहाँ पर ई टू दावर एक्स नहीं चल रहा, ई टू दावर टू एक्स चल रहा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास टू एक्स का माइनस टू हो जाएगा। अब इसको सीधा थोड़ा कर लेते हैं, y डबल डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया थ्री ए इंटू ई टू दावर, सॉरी इसको लिखना चाहते लिख सकते हम ऐसे, तीन तरीका क्या हो गया नॉन ए ई टू दावर क्या देगा हमारे पास थ्री एक्स होगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों कितना होगा ये चार बी ई टू दावर क्या हो गया माइनस टू एक्स हो गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करना है डी एफ, अब क्या करना डी एफ, वाई डबल डैश बराबर नौ ई टू दावर क्या हो गया थ्री एक्स ना। अब क्या करना डीएस वाई डैश डबल डैश इज इक्वल टू नाइन ए टू दावर थ्री एक्स प्लस फोर बी ई टू दावर क्या आ गया माइनस टू एक्स आ गया। इस कंडीशन में डीएस क्या करना है ए और बी के टर्म को स्प्लिट करना है, हम करते क्या है एक बार क्या कर लेते हैं ए ई टू दावर थ्री एक्स का मान निकाल लेते हैं, और एक बार क्या करते हैं बी ई टू दावर थ्री एक्स का मान निकाल लेते हैं, और जो वो भी गिवन है हमारे पास फंक्शन है डीएस, उस कंडीशन में ए टू दावर थ्री एक्स का मान और बी ई टू दावर थ्री एक्स का मान पुट कर देंगे, और इस प्रकार से जो भी हमारा टर्म है वो क्या हो जाएगा स्प्लिट हो जाएगा और हमारे पास अवकलन समीकरण मिल जाएगा। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसको, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण एक और दो से क्या करते हैं हम इसमें क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड क्या अब क्या करते हैं डीएक्स, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में अगर टू का और मल्टीपल करते हैं हम लोग तो टू टू जाए क्या होगा फोर, ये फोर प्लस का ये फोर किसका है माइनस का, यानी स्प्लिट हो जाएगा। इस टर्म में क्या करते हैं लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू टू और प्लस इक्वेशन क्या है देंगे हम लोग सेकंड में देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट में दो का गुणा करते रहे और सेकंड को क्या कर रहे हैं जोड़ दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, तो इस कंडीशन में हो जाएगा जब टू से गुणा करेंगे तो टू वाई डैश इज इक्वल टू टू थ्री जाके आ जाएगा सिक्स, ये दावर क्या हो गया थ्री एक्स हो गया, और ये हो जाएगा माइनस टू टू जाके आ जाएगा फोर, और ये हो जाएगा बी ई टू दावर क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स हो गया। हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट में टू का गुणा कर दिया एंड इक्वेशन सेकंड को जोड़ना है, तो इक्वेशन सेकंड को जोड़ेंगे ये हो जाएगा वाई का डबल डैश इज इक्वल टू नाइन ए ई टू दावर क्या हो गया थ्री एक्स हो गया, और ये हो गया प्लस फोर बी ई टू दावर क्या हो गया माइनस टू एक्स हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो इससे ये गया, इस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास टू वाई डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू ये नाइन और सिक्स क्या आ जाएगा फिफ्टीन ए ई टू दावर क्या हो जाएगा थ्री एक्स हो गया। नेक्स्ट आगे टर्म में डीएफ क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ए टू दावर थ्री एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ए टू दावर थ्री एक्स का मान निकालेंगे तो ये 15 क्या है गुणा के पद में किसके टर्म में टूट जाएगा आपके टर्म में, तो ए टू दावर थ्री एक्स इज इक्वल टू टू वाई डैश प्लस क्या है वाई डबल डैश और पूरे क्या पाने क्या आएगा वन अपान क्या हो जाएगा 15 लिख सकते हैं 15 ये हो गया हमारे पास ए टू दावर थ्री एक्स का मान हो गया। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं अगेन एक बार और
अब क्या करते हैं, a की पावर 3x का मान निकाल गया ds। अब हमें b का मान निकालना है, b का मान निकाल कर ds क्या करना पड़ेगा, हमें a के टर्म को स्प्लिट करना है। इसका मतलब ये होता है अगर कोई भी इक्वेशन दिया है और दो फंक्शन चल रहे हैं, अगर एक का मान निकालना दूसरे को काटना पड़ेगा, दूसरे का मान निकालना तो पहले को काटना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। तो अगर इक्वेशन दिए गए इक्वेशन क्या करते हैं, 3 का मल्टीपल करते हैं तो ये 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और घटा देंगे तो क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू 3 और माइनस इक्वेशन क्या कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट में 3 का गुणा कर देते हैं और इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 जगह 3 वाई डैश इज इक्वल टू ये जगह 3 तृतीय क्या होगा 9 ए ई टू दी पावर क्या होगा 3x और माइनस 2 3 क्या हो जाएगा 6b e to the power क्या हो गया माइनस 2x। एंड घटाते हैं क्वेश्चन सेकंड को, क्वेश्चन सेकंड हमारे पास क्या दिया y डबल डैश इज इक्वल टू 9, y डबल डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9 e to the power क्या हो गया 3x और प्लस क्या आ गया 4b e to the power क्या हो गया माइनस 2x। बता देते हैं, बताएंगे ए बी माइनस सी डी माइनस सी डी किसका होगा माइनस का, क्यों प्लस माइनस में प्लस माइनस में प्लस माइनस में, यानी उल्टा साइन में तोड़ देते हैं। तो इससे ये गया, इस कंडीशन में जगह 3y डैश माइनस y डबल डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया माइनस 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 को आपस में जोड़ लेते हैं और सिंपल किस कर देते हैं माइनस का, अच्छा अच्छा क्या हो जाएगा आप लोग का 10 बी ई टू दावर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास b टू दी पावर 3x का b टू दी पावर माइनस 2x का मान निकाल लेते हैं। तो b टू दी पावर माइनस 2x का मान निकालने के लिए तो लिख सकते हैं 16 गुणा में था किसने टूट जाएगा भाग में, और जो भी हमारा ये था 48 हो जाएगा, इट मींस क्या 3y डैश माइनस कर देगा y का डबल डैश। अब हमारे पास b e टू दी पावर 2x का भी मान निकल गया और a टू दी पावर 3x का भी मान निकल गया, हेंस लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं ds हेंस और b e to the power minus 2x का मान है, उसको पुट कर देते हैं b में फंक्शन में। तो क्या कर देते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम b में फंक्शन t में कर्व, जो हमारे पास गिवन कर्व है उसे मान पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये हो जाएगा a e to the power क्या 3x, इसका मान पुट कर देते हैं a e to the power 3x का मान क्या निकाले हैं 2, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं d है 1/15 लिख सकते हैं और 2y डबल डैश प्लस क्या होगा y डबल डैश, और ये हो जाएगा हमारे पास इतना मान ये प्लस b e to the power minus 2x का मान पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या निकला माइनस हो जाएगा d माइनस 1/10 और कोष्ठक में जगह 3y डैश माइनस का जगह y का डबल डैश। इस कंडीशन में जब इसका एलसीएम लेंगे 15 यहां पे क्या 10 है, तो इस कंडीशन में डीएल इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 30 करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा हमारे पास 30y और यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डीएल, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या जाएगा 4y डैश और प्लस 2y डबल डैश होगा ठीक है, और माइनस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का क्या हो जाएगा 9y डैश और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा ठीक है, तो 3y डबल डैश। इस कंडीशन में क्या कर देंगे हमारे पास ये हो जाएगा 30y इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास हो गया 4y डैश या माइनस 9y डैश। तो इस कंडीशन में बचा का हमारे पास बचा यही है ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं ये 3 और 2 क्या देगा 5 y डबल डैश और माइनस क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 9y डैश और प्लस क्या दिया 4y डैश काटेगा तो क्या देगा 5y डैश हो जाएगा। इस कंडीशन में 5 को कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 30y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 को बाहर कर लेंगे y डबल डैश माइनस क्या देगा y सिंगल डैश, ये 5 6 जाके 30 होगा इट मींस क्या होगा 6y
इज इक्वल टू क्या होगा वाई डबल डैश और माइनस क्या होगा वाई सिंगल डैश। इस कंडीशन में ही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑलरेडी है जिसमें ए और बी का टर्म नहीं है। इस कंडीशन में और भी इसको टच डाउन करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या कहा था कि जो भी अवकलन समीकरण ज्ञात करेंगे उसमें ए और बी का टर्म नहीं होगा।